हम बना रहे हैं क्रीम चीज रोल अप्स। ये हम टोर्टिया से बनाएंगे। मैंने होल व्हीट टोर्टिया लिए हैं यहाँ पे। आप प्लेन भी ले सकते हो, रेगुलर वंस। और इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें क्रीम चीज है। मैंने ये ओरिजिनल क्रीम चीज लिया है। आप चाहो तो ऑलरेडी इसमें जो हर्ब्स के साथ हो या कुछ भी वैसे भी ले सकते हो। और इसके साथ हमें चाहिए क्रीम चीज के साथ ये रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने। ये ओरेगानो है और ये पार्सली फ्लेक्स है। ये हैलोपिनो है चॉप्ड। और ये है रेड पेपर फाइनली चॉप्ड, येलो पेपर फाइनली चॉप्ड। आप चाहो तो और भी टाइप के पेपर्स हैं ऐड कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। और ये मैंने लिए हैं ग्रीन ऑलिव्स। यू कैन यूज ब्लैक ऑलिव्स और व्हाटएवर अवेलेबल। नहीं भी है तो आप नहीं डालोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये गार्लिक पाउडर, अगर आपको अच्छा लगता है गार्लिक फ्लेवर तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं लगता तो यू कैन अवॉइड इट। और अब हम ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आई फॉरगॉट टू टेल यू, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्रीम चीज़ में भी सॉल्ट होता है, उसके हिसाब से हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये हमारा मिक्सचर अब तैयार है। अब हम इससे टोर्टियास के क्रीम चीज रोल अप्स बनाएंगे। अभी मैं बताती हूँ वो कैसे हमें बनाने हैं। तो ये टोर्टियास है, ये एक टोर्टिया टिन फॉइल पे आप रख लें, ऐसे टिन फॉइल को फाड़ लें, उस पे टोर्टियास रखें, टोर्टिया रखें, और उस पे हमें ये जो मिक्सचर हमने बनाया था उससे इवनली स्प्रेड करना है। अभी ये हमने स्प्रेड कर लिया है इसको इवनली इस पे। अब हमें इसे बिल्कुल टाइट फॉइल के साथ फोल्ड करना है। पहले इसको टाइट हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमें इसे टिन फॉइल में ही रैप करके टाइटली ये ध्यान रखना है कि ये उसी तरह से टाइट रहे, और इसमें ये फोल्ड करके हमें रेफ्रिजरेट करना है 2 घंटे के लिए कम से कम। अगर पार्टी है तो आप ये बना के रख सकते हो, और जब गेस्ट आए आने से पहले इनको निकाल के कट कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी बना के, और फिर निकाल के कट करके दिखाऊंगी। ये 2 घंटे फ्रिज में रख के मैंने अभी निकाल लिए हैं, ये सेट हो गए होंगे। तो अभी इनको खोल के देखते हैं, देन वी कट देम इन पीसेस। ये जो इनकी साइज है वो हम कट कर देंगे, निकाल देंगे इतने इतने पीसेस।